लर्न एफिलिएट मार्केटिंग पार्ट टू। गाइज ये पार्ट टू वीडियो है एफिलिएट मार्केटिंग की, जो अपनी सीरीज चल रही है। यहां मैं आपको बताने वाला हूँ एफिलिएट एग्जैक्ट सिस्टम, जो रियल सिस्टम है, जो एग्जैक्ट सिस्टम है, जो काम आता है, उस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे अपने माइंड में कि क्या बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग के अलग अलग सिस्टम के बारे में बताते हैं क्या? ऐसा कुछ आप सोच रहे होंगे अपने माइंड में। यस गाइस, बहुत लोग अलग अलग चीजें बताते हैं कि एफिलिएट ऐसे काम करता है, ऐसे काम करता है, लेकिन जो एग्जैक्ट सिस्टम है वो क्या है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। 3 से 4 हम लोग एफिलिएट सिस्टम का रिव्यू करेंगे, वहां मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चीजें कैसे काम करती हैं, और वहां से हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन दबा लो, ताकि आपको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आपके मोबाइल या पीसी पे पहुंच जाए और आपको वैल्यू मिले। और गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हो। प्लीज एक लाइक कर जो जो बिल्कुल बेफ्री है, जिससे बस मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस लेके आता हूँ, जिससे आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। गाइज, जो सारी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, तो अगर आप इसको समझ रहे हो तो आप इसको करना भी स्टार्ट करना, इम्प्लीमेंट करना, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ ये हजारों डॉलर्स में बिकती है पेड, लेकिन उस समय आप पे करके खरीदते हो तो आप सोचते हो कि हाँ ये तो हमें मिलेगा नहीं फ्री में, और आप उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देते हो। वही चीज मैं यहाँ पर आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो प्लीज ध्यान दो, समझो चीजों को और काम करना स्टार्ट करो। तो अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है इस सीरीज का, तो आप उसको जाके जरूर देखें, ये दूसरा है। और आज हम स्टार्ट करेंगे एफिलिएट सिस्टम पे रिव्यू। ये हमारा चार्ट है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है? आज अपना एफिलिएट सिस्टम की वीडियो है, और उसके बाद नीचे 8 कुछ और टॉपिक्स हैं, ठीक है? तो आज जो अपना है एफिलिएट सिस्टम का जो टॉपिक है उस पर हम बात करने वाले हैं, और यहाँ से हमारी वीडियो स्टार्ट होगी। सो गाइस, लेट्स गो। सो दोस्तों, आशा है कि आपने लाइक कर दिया होगा, क्योंकि आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। और 2 काम और आपको करने, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, आपको पता होगा, एक अच्छा सा कमेंट दे दो नीचे, और एक चीज और लोगों के साथ शेयर करो, ताकि हम बहुत सारा नॉलेज इस चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को कैपेबल कर सके ऑनलाइन अर्निंग में। क्योंकि गाइस देखो, लोग ऑनलाइन अर्निंग इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं है, प्लस वो क्विट कर देते हैं। गाइस यहाँ क्विट करना बहुत ईजी है, लेकिन गाइस अगर आप यहाँ डटे रहोगे कि मुझे करना ही है करना ही है, तो आप एट द एंड कर लोगे, और बहुत ज्यादा पैसा है ऑनलाइन में। गाइस ये मैं आपको गारंटी दे के बोल सकता हूँ। तो पहला जो सिस्टम आपको दिख रहा होगा एफिलिएट मार्केटिंग का, हाउ डज द एफिलिएट प्रोग्राम वर्क, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम पहले इसका रिव्यू करेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि एफिलिएट प्रोग्राम कैसे काम करता है। तो यहाँ पहले लिखा है साइन अप, ठीक है, लिंक टू आवर साइट, ठीक है? यहाँ पर दूसरा क्या है, लिंक टू आवर साइट, मतलब साइन अप करके उस प्रोग्राम को अपने साइट में लिंक करो। फिर क्या, विजिटर क्लिक ऑन द लिंक, फिर क्या, जो विजिटर आएंगे वो क्लिक करेंगे ऑन द लिंक, यहाँ पर आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है? हमेशा बेसिकली आपको यही चीज समझाई जाती है, दिट इज कॉल्ड एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा लूप होल है, ठीक है? लूप होल यहाँ पर भी है एफिलिएट, यहाँ पर जो ये सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर जो लिखा है एफिलिएट मार्केटिंग, द एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम वर्क, ठीक है, जो भी लिखा है, तो यहाँ पर एक लूप होल है, फिर उसके बाद एक लूप होल यहाँ है और एक लूप होल यहाँ है, ठीक है? मनी तो मिलेगा ही क्लिक और करने के बाद, ये जो यहाँ है कोई लूप होल नहीं है, लेकिन ये तीनों स्टेप में लूप होल्स है। ये चीज आपको दिखाई जाती है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, आप बोलते हो हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, लेकिन बिलीव मी ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ ऊपर ऊपर से बस ऐसा कहा जाता है कि ऐसा होता है। बहुत सारी प्रॉब्लम है आपको, कब चूज करना है प्रोडक्ट, ठीक है, कैसे चूज करना है, ठीक है, कहाँ उसको लिस्ट करना है, ट्रैफिक कहाँ से आएगा, पेड या ऑर्गेनिक कैसे, मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं बीच में जो आपको यहाँ नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन वो चीजें होती हैं, ठीक है? तो कोई भी पॉइंट मिस मत करना, मैं पूरा आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करूंगा, पूरी चीजें आपको बताऊंगा, एक एक चीज डीप जाके बता रहा हूँ, इसीलिए रिव्यू कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको डायरेक्ट स्टार्ट कर सकता हूँ ये क्लास, ठीक है? हाँ, पूरी सीरीज आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, एक दो वीडियो में खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैंने 8 से 9 वीडियो ली है कि ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। इवन मैं रिव्यू भी कर रहा हूँ चीजों पर, कि आपको सिस्टम समझ में आया, आप बाद में कोई आपको ये चीज बताया तो आप मूर्ख वहां ना बनो, ठीक है? तो यहाँ बहुत बड़े 3 लूप होल हैं इस सिस्टम में, जो आपको एग्जैक्टली हमेशा बताया जाता है। नेक्स्ट जो अपने पास ग्राफ आ रहा है गाइस, ये ग्राफ है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है। बहुत लोग मुझसे कहते थे अमेजोन अमेजोन, इसीलिए मैंने ये ग्राफ चूज किया आप लोगों के लिए, अमेजोन के लिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है ऊपर देखो,
सबसे पहले देखो लिंक टू अमेजॉन प्रोडक्ट ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। उसके नीचे क्या लिखा है, विजिटर क्लिक ऑन द लिंक एंड गो टू योर वेबसाइट। थर्ड क्या है देखो, विजिटर बायस प्रोडक्ट आफ्टर क्लिकिंग योर लिंक। फिर उसके बाद क्या है, यू अर्न ऑन ईच सेल्स, ठीक है। अमेजॉन का भी लोग ऐसे ही सोचते हैं। सबसे पहले मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप अमेजॉन से जाके एफिलिएट मार्केटिंग करो, ठीक है। अगर आपके पास बहुत बड़ा एक फैन पेज है जिसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस फॉलोअर है, तो आप अमेजोन से करो, क्योंकि अमेजोन का उतना ही मेहनत है जितना आपको किसी छोटे मोटे मतलब काम में होता है, ठीक है। जैसे कि आप मान लो एक कोई प्रोडक्ट सेल करते हो $1 का, तो उसमें भी आपको उतना ही हार्डवर्क करना है जितना आपको $100 के प्रोडक्ट को सेल करने में है, ठीक है। ये कितने डॉलर का कौन सा प्रोडक्ट चूज करना है इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आज मैं ऐसी एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो क्यों ना हम $100 के ऊपर काम करें, $1 से तो कोई फायदा नहीं है, उतना ही टाइम उतना ही एफर्ट लग रहा है हमारे पास, ठीक है। टाइम और एफर्ट हमको उतना ही पड़ रहा है, तो हम क्यों ना हम $100 के लिए काम करें, $1 के लिए काम क्यों करें। तो गाइज वही बात होती है कि अमेजोन को कभी भी आपको प्रमोट नहीं करना, और अमेजोन का कभी भी कोई भी वीडियो बनाता है तो यही स्ट्रक्चर आपको शो करता है, ठीक है, कि आपको वहां से प्रोडक्ट उठाना है और फिर उसको प्रमोट करना है वेबसाइट या ब्लॉग के जरिए। फिर उस पर विजिटर आएंगे, विजिटर क्या उड़ के आएंगे, ब्लॉग क्या ऐसे ही बन जाएगा, नहीं गाइज ये सब फालतू की बातें, सब लूप होल है। और उसके बाद आप कमीशन कर लोगे, इतना ईजी रहता तो आज सब एफिलिएट मार्केटर हो जाते हैं, ठीक है। आज बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन एफिलिएट मार्केटर नहीं हो रहे। तो अमेजोन का भी जो ये स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भी फेल है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग का जो सिस्टम है दिमाग का वो क्लियर हो रहा होगा। मैं चाहता हूं कि एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। और मैं कभी भी सजेशन नहीं करता है अमेजोन को आपको करने के लिए, हो सक अगर आपके पास बहुत अच्छा फैन बेस है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो अमेजोन के साथ जाओ। अब जो नेक्स्ट अपना चार्ट है वो कुछ ऐसा है, ये थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा अपग्रेड है, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें हैं जो आपको बताने लायक है। देखो सबसे पहले बोला है टेक लेस देन अ मिनट इज फ्री साइन अप, ठीक है। मतलब फ्री के किसी भी प्रोग्राम में साइन अप कर लो, किसी भी नेटवर्क में साइन अप कर लो, हाँ काम करता है, ये चीज काम करती है, ठीक है। जैसे कि JVZoo हो गया, मैक्स मैक्स बॉन्टी, क्लिक बैंक, ये सब फ्री है लेकिन काम करती है, ठीक है। दूसरा के लिए प्रमोट, वी प्रोवाइड लिंक्स बैनर डेट यू कैन यूज ऑन योर वेबसाइट ब्लॉग ईमेल। देखो यहाँ पर थोड़ा इसने अपग्रेड किया है, इसने क्या अपग्रेड किया कि आप वेबसाइट ब्लॉग और अपना जो ईमेल है उसका यूज कर सकते हो चीजों को प्रमोट करने में, ठीक है। ये पूरा एक साइकिल से बताया है, हाँ यहाँ पर भी ठीक है, लेकिन इसके बीच में भी एक लूप होल है जहां पर ये आपको नहीं बताया गया कि प्रोडक्ट को चुनना भी पड़ता है, ठीक है। किसी नेटवर्क के साथ आप जब साइन अप करते हो तो वहां पर प्रोडक्ट को बहुत हार्डली, बहुत ही मतलब पूरा प्रोसेस से चुनना पड़ता है, फिर उसके बाद आप प्रमोट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, डायरेक्ट पीपल साइन अप, बिल्कुल भी गलत, पीपल उड़ के साइन अप करने नहीं आएंगे, यहाँ आपको बहुत सारा बीच में काम करना पड़ेगा, उसके बाद पीपल साइन अप करने आएंगे। फिर उसके बाद लिखा है ऑर्डर एंड पे, फिर एफिलिएट ट्रैकिंग, एफिलिएट ट्रैकिंग का यहाँ कोई जरूरत ही नहीं था लेकिन इसने डाल दिया है, चलो। और फिर वो आप कमीशन कर लोगे, तो ये भी बहुत बेकार सिस्टम है। मतलब ये वो सिस्टम्स मैं आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ जो सिस्टम आपको आज तक बताया जा रहा है, और ज्यादातर लोग यही सिस्टम आपको बताते हैं क्योंकि उनका काम ये रहता है कि आपको बस कुछ भी बता दिया जाए और वो वीडियो बन जाए और फिर उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहां मेरा लेना देना है क्योंकि मैं चाहता हूं आपको एग्जैक्ट सही नॉलेज दूं और इस चैनल के थ्रू हजारों लोगों को सही नॉलेज ही जाए, और हो सकता है लाखों लोगों को, अगर आप लोग अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखोगे और ये जो वीडियो है वो लोगों तक शेयर करोगे, पहुंचाओगे। और आशा है कि आप शेयर और शेयर करोगे और उन तक पहुंचाओगे और इस वीडियो को लाइक भी करोगे। अब जो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दैट इज अ रियल सिस्टम, ठीक है। और आजकल जितने भी लोग मिलियंस ऑफ डॉलर 6 से 7 फिगर बना रहे हैं वो इसी सिस्टम से बना रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट यूजर आपको ब्लॉग, सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल जो भी आपका है, ठीक है, उससे आपको यहाँ तक ये जो चीज है, ये जो चीज है, यहाँ से यहाँ ट्रैफिक ले जानी है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ट्रैफिक तो आपके पास आ जाएगा, करोड़ों लोग आ जाएंगे, लेकिन जब तक आप उनको कुछ प्रोवाइड नहीं करोगे, कुछ फ्री में नहीं दोगे, चाहे वो कंटेंट हो चाहे वो ई बुक हो, जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि एक ई बुक बनवा लो या कुछ ऐसा रखो अपने पास जो आप फ्री में दे सको, तो उनके ईमेल आपको मिलेंगे, उनका एड्रेस आपको मिलेगा, ठीक है। ये भी पूरा सिस्टम नहीं है लेकिन यही सिस्टम से आज वर्क हो रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं पूरा सिस्टम भी आपको डिक्लेयर करूंगा कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये
चीज है, यहाँ पर आप क्या करोगे, वहां को क्वालिटी कंटेंट दोगे, मतलब कुछ भी फ्री में ऐसा दो जिनसे जिससे वो आपको आपसे बात अट्रैक्ट कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, और आपको अपनी जो चीज है ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, वो आप तक दे पाए। ठीक है, ज्यादातर ट्राई करना फोन नंबर नहीं लेना है, ईमेल ही लेना है अपने को। ठीक है, तो वो ले पाए। फिर उसके बाद क्या होगा, एस्टेब्लिश बिजनेस रिलेशनशिप। कैसे होगा वो, जब आप उनका ईमेल लेके उनको अपने बारे में बताओगे, दैट इज ये स्टेप। ठीक है, उनको अपने बारे में बताओगे। फिर उसके बाद जब आपको वो समझने लगेंगे, क्योंकि आपने उनको फ्री की चीजें दी, अपने बारे में बताया, फिर उसके बाद आप उनको एक अच्छा प्रोडक्ट चूज करके उन तक पहुंचाओगे, प्रोडक्ट सर्विस इन योर एफिलिएट सिस्टम। ठीक है, अब उसके बाद, ठीक है, आप उनको जब उनके सामने चीजें रखोगे, अगर उनको चीजें पसंद आई तो वो खरीदेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट सिस्टम वही चलता है। फिर उसके बाद वही राउंड फिर से घूमेगा, क्वालिटी कंटेंट, फिर उसके बाद प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सेल, फिर ईमेल, फिर प्रोडक्ट, फिर सेल, यही चीज बार बार घूमती रहती है। पहले पूरा सिस्टम आपको जमाना पड़ता है और उसके बाद आपको यही चीज बार बार राउंड राउंड घुमानी पड़ती है, क्योंकि रिलेशनशिप जब एक बार एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर वो चीज आप कितने भी बार कुछ भी उनको सेल कर सकते हो। यही एग्जैक्ट चीज मैं आपको इस चीज में आपको बताना चाहता था इस ग्राफ में। ठीक है, तो ऐसे करके काम होता है। अब लास्ट एक और है जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है दिखाना, जो एकदम सिंपल फनल टाइप का है, लेकिन ये फनल नहीं है। ठीक है, एकदम सिंपल फनल टाइप का, और ये एक कंपनी है उसका है, ये मैंने वहां से लिया। ठीक है, कंपनीज होती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां वो लोग क्या करते हैं, ये ईमेल वीमेल की चीजों को निकाल देते हैं। तो वहां क्या होता है, वहाँ वो डायरेक्ट सेल भी करते हैं। ठीक है, वो ये सारी चीजें फॉलो नहीं करते, और ये सिस्टम को, मतलब उस सिस्टम को यहाँ एफिलेट में बता दिया गया है जो आप सामने देख सकते हो। बस उसमें, इसमें क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है, इसको यहाँ गोल करके यहाँ पर लिख दिया गया है कि ईमेल उमेल से यहाँ ट्रैफिक ड्राइव करो और बना दो। तो ये जो चीज है, ये एक कंपनी ने बताया है कि एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे होती है, यहाँ बहुत बड़े बड़े लूप होल्स हैं। तो ये पांच में से सिर्फ मैं बोलूंगा एक, ये जो सिस्टम है वो सबसे बेस्ट, सबसे बेटर और सबसे सही सिस्टम है जो अभी काम करता है। अब मैं अगर बात करूं तो आप लोगों से मैं बात करना चाहूंगा इसके ऊपर। तो गाइज, मैं आप लोगों को से इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। तो बात यह है कि क्या होता है, सबसे पहला एक ये चीज, ये होता है नेटवर्क, चाहे कोई सा भी नेटवर्क हो। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो प्रोडक्ट बोलो। ठीक है, मैं प्रोडक्ट डायरेक्ट बोलता हूँ, नेटवर्क ये है आपका। नेटवर्क को छोड़ दो, क्योंकि नेटवर्क बहुत सारे अपने को आएंगे मिलेंगे, उनसे आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट आपका, प्रोडक्ट ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट, एग्जैक्ट प्रोडक्ट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको चाहिए ट्रैफिक अपने प्रोडक्ट पे। ये ट्रैफिक कहाँ से आएगा, ये आएगा आपके सोशल मीडिया, अगर वेबसाइट चलाते हो, वेबसाइट, पेड एड्स, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। मैं वेबसाइट के लिए आज के समय में मना करूंगा, ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक, क्योरा, व्हाटएवर। ठीक है, जहां से भी आपको ट्रैफिक लेके आना है। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये ट्रैफिक को लाना ही नहीं है, इस ट्रैफिक को एक ईमेल में कैप्चर करना है। अभी मैं बहुत ज्यादा सिंपल करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाद में जब हम इस पर काम करेंगे तो आपको कई चीजें और भी पता चलेंगी। तो उसको यहाँ पर ईमेल इसका कैप्चर करना है, लीड बेसिकली बोलते हैं, और यहाँ पर काम करता है लैंडिंग पेज, स्क्विज पेज। ठीक है, और भी दो तीन पेजेस होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, राइट। यहाँ तो यहाँ पर आपके पास जो होता है इस प्रोडक्ट के लिए, आपको ट्रैफिक ही होता है, और ये ट्रैफिक आप ड्राइव करते हो लैंडिंग पेज पे। ठीक है, तो लैंडिंग पेज से जब ये ट्रैफिक आपके ईमेल सीक्वेंस में आता है, तो आप इसको कैप्चर कर लेते हो अपने ईमेल सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ लोग ईमेल पुट करते हैं और ये ईमेल यहाँ आता है, और यहाँ आप इसको कैप्चर कर लेते हो अपने ईमेल सीक्वेंस में। जब आप ईमेल सीक्वेंस में इन लोगों को कैप्चर कर लेते हो, तो या ईमेल के अंदर भी बहुत सारी काम होते हैं। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब इसकी एक
पूरी एक वीडियो बनाऊंगा कि ईमेल सीक्वेंस का यूज कैसे किया जाता है। मैं बहुत पहले बनाने वाला था, लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम लोग एफिलिएट सीरीज चला रहे हैं, तो मैं उसके बीच में ही ये वीडियो लेके आऊंगा और उसका एक ये पार्ट रहेगा, नहीं तो मैं ये वीडियो बनाने वाला था बहुत जल्द। तो अब क्या है, ईमेल सीक्वेंस में वो आ जाएगा, तो अलग अलग उनको डिवाइड करना पड़ता है और उसके हिसाब से उनको वैल्यू कंटेंट यहाँ पर पहुंचाना पड़ता है। ठीक है, वैल्यू कंटेंट, जब आप उनको वैल्यू कंटेंट पहुंचाते हो तो वो आपको जानने लगते हैं। वैल्यू कंटेंट मतलब क्या, अपनी ई बुक, फ्री ई बुक, ठीक है, जो मार्केट में नई न्यूज आई उस वो पहुंचाओ, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में न्यूज, जो न्यूज आई है उसके बारे में आपको पहुंचाना है, उन तक पहुंचाना है, ठीक है, कुछ भी न्यूज नहीं, जो आपके एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो वैल्यूएबल है उनके लिए, वो चीज उनको देते जाओ देते जाओ। यहाँ से आपका रिलेशन बिल्डिंग स्टार्ट होता है यहाँ से, और ये आपको कम से कम 10-12 दिन कम से कम करना ही पड़ता है। और यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कॉपीराइट का भी काम यही होता है, ठीक है, लैंडिंग पेज का भी काम यही होता है, ई बुक का भी काम यही होता है, ई बुक का काम यहाँ पर भी होता है, ठीक है, और यहाँ पर भी होता है, मतलब दोनों जगह। तो जो मैंने कहा ऐसे करके चीजें होती है, फिर उसके बाद सेल होता है, ठीक है, फिर सेल के बाद भी आप एक मतलब जैसे कि अभी आप सेल करने जाओगे तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट सेल करोगे जहां उसका कीमत कम रहेगा, लेकिन उसके बाद जो सेल होता है वो हाई टिकट प्रोडक्ट्स के होते हैं, तो उससे मल्टीपल अर्निंग जनरेट होती है, ठीक है, तो ये बहुत आगे प्रोसेस बढ़ते जाता है। तो जो एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोसेस है, एग्जैक्ट यही प्रोसेस है जो आज के समय में काम आ रहा है। इसमें फनल होता है, फनल को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए वीडियो मैं बनाऊँ, हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज के बाद या एफिलिएट मार्केटिंग सीरीज के अंदर ही कहीं पर उसको ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है, तो वो चीज आपको बताऊंगा, क्योंकि एक टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग फनल का, एग्जैक्ट यहाँ पर आई थिंक हाँ फनल सिस्टम का टॉपिक है, तो फनल सिस्टम तो मैं डिस्क्राइब करूंगा, इसके साथ साथ ईमेल भी उसी के साथ डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये जो चीजें हैं ऐसे करके एग्जैक्ट एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। जो पहले ब्लॉग में लिखते थे, तो ब्लॉग में क्या प्रॉब्लम होती है ना कि ब्लॉग में तो लोग आ जाएंगे, लेकिन ब्लॉग में तरह तरह की चीजें होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, यहाँ तक फंसते हैं और फिर यहाँ से आपके ब्लॉग से चले जाते हैं। और फनल में क्या होता है, फनल में जैसे ही कि कोई भी आया, फनल में आया तो उसको यहाँ पर ये खाने का दिया जाता है, ठीक है, हुक दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हुक। हुक मतलब वही जो मैं आपको समझाया था एक वीडियो में, अभी 2-3 दिन पहले जो एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा लैंडिंग पेज के बारे में बताया था, तो यहाँ पर भी वही चीज काम करता है। हुक मतलब एक बार वो देखे और अट्रैक्ट हो गए, फिर उसके बाद उसको कुछ दिया जाता है खाने पीने का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेंट। फिर उसके बाद उसको ऑफर किया जाता है एंड वो खरीदता है, इसके अंदर बहुत सारी डीप चीजें हैं, फिर उसके बाद लो टिकट प्रोडक्ट, फिर उसके बाद हाई टिकट प्रोडक्ट, और ऐसे करके आपके पास पैसे आते हैं। तो ये जो होता है एग्जैक्ट सीधा सीधा रहता है, और यहाँ जो होता है यहाँ बहुत सारे उसको प्रॉब्लम रहते हैं, ऑब्स्टिकल्स रहते हैं, जहाँ से बहुत सारे विजिटर ये आपके वेब से और आपके ब्लॉग से निकल के चले जाते हैं, जो एक प्रूवन सिस्टम नहीं है एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए। तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, आई थिंक आपको एफिलिएट सिस्टम जो रिव्यू हम लोगों ने किया है उसको सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और आशा करता हूँ कि अब आपका ब्रेन जो है वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर दिया होगा कि कैसे एफिलिएट मार्केटिंग होती है। बहुत ही जल्द तीसरा एपिसोड मैं लेके आऊंगा, जिसमें आपको और आगे की चीजें मैं बताऊंगा। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और प्लीज गाइस शेयर करो, ताकि हमारा जो उद्देश्य है लोगों को नॉलेज पहुंचाना, वो नॉलेज हम दूसरों तक पहुंचा पाए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।